हाँ तो अरे कैसे हो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो पे अपन लोग अपना क्रिकेट पैड को रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब मेहनत से या कोई जिद करे, कोई सामान लोग परचेज करे और वो खराब हो जाए, और डर भी लगा रहता है कि ये बात अपने पेरेंट्स को बताए या नहीं, क्योंकि वो डांटेंगे। वैसे भाई मेरा भी पैड खराब हो चुका है, बट आई नो यार अगर मैं पेरेंट्स को बोलूंगा तो एक ही आंसर आएगा, बाद में ले लेना, बाद में बाद में। पर कोई ना दोस्तों, यार आज के इस वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देख लो। लिटरली गाइस मैं आपको एक ऐसा इजी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे अपना क्रिकेट पैड को रिपेयर करके कुछ और टाइम तक यूज कर सकते हो। और भाई इस वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका दोस्त फालतू में तो पैसा खर्च करते हैं। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे 1000 लाइक कंप्लीट करा देना, और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब या ठोक देना। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा क्रिकेट पैड, भाई कितना शानदार सा लग रहा है। बट यार फिर ऊपर से देखो ये हमारा ये यहाँ पे खराब हो चुका है भाई, बहुत ही बेकार लग रहा है। और थोड़ा साइड दिखाता हूँ, नीचे से दिखाता हूँ, तो भाई नीचे से भी देखो यहाँ पे खराब हो चुका है। बट यार यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा, लिटरली भी बहुत ही अच्छा है, काम चल जाएगा, उतना जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट यार ऊपर यहाँ पे खराब होने के कारण मेरा बैटिंग स्टाइल में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, और बैटिंग करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले इसको हम लोग ठीक करेंगे। आपको फ्लैमिंग प्लास जो कि आपको आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर मिलता क्या है। ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का बैंडेज टाइप का मिलेगा जो कि आपको इंजरी से आपको बचाती है, जिसका मैंने पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ। एक बार नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर चेकआउट एक बार जरूर जरूर कर लेना। कुछ इस टाइप का हमारा फ्लैमिंग प्लास्ट निकलता है, तो पहले इसको तो कट करना होगा। कट करेंगे पहले उसके मेजरमेंट लेना पड़ेगा, मेरे पास कितना पैड है आपको चिपकाना है। मैं मेजरमेंट ले लिया हूँ, बस अब इसको जल्दी जल्दी कट करता हूँ और अपना काम को प्रारंभ करता हूँ। तो गाइस देखिए मैं अपना पूरा चित्र इतना बड़ा पीस मैं कट कर लिया हूँ। अब बस इसके ऊपर चिपकाने की बारी आती है। चीज़ होती है इसके ऊपर दो लेयर होती है, एक प्लास्टिक लेयर होती है और ये ऊपर लेयर होती है। तो पहले प्लास्टिक लेयर को पहले आपको इस ऊपर से रिमूव कर लेना होगा जल्दी जल्दी, भाई बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। पहले आप पूरा लास्ट तक वॉच करो जल्दी जल्दी। तो ये कुछ ऐसे लाना पड़ेगा और इसको अच्छी तरह से चिपका देना भाई, पूरी अच्छी तरह चिपकाना भाई। आपको इधर उधर नहीं करना है, अपने हिसाब से आपको जहाँ भी खराब हुआ है आपको वहीं पर अच्छी तरह से चिपकाना है भाई। और देखिए भाई बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने पैड रिपेयर कर सकते हैं। तैयार हो चुका है, रिपेयर होकर तैयार हो चुका है, आप भी रिपेयर कर सकते हो। जहां भी आपको क्रैक हुआ हो आप आसानी से ऐसे करके अपना रिपेयर कर सकते हो।